नमस्कार साथियों, आज हम डायनेमिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में विनियोजित किया जाता है कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समानांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग निम्न होंगे। यानी त्वरण के जो दोनों घटक हैं वो क्या होंगे, रेखीय और अनुप्रस्थ त्वरण जो दोनों होंगे ये इस घटकों के रूप में होंगे। तो इसके लिए हमने देखिए ये चित्र ड्रा किया है। ये हमारे ओ एक्स, ये क्या है, प्रारंभिक रेखा है। इस दिशा में यानी कण की स्थिति टी समय पर कहाँ पर है, पी पर, इस जगह कण की स्थिति है। ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ये दूरी क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की ये आर है। टी समय पर ये आर दूरी पर पहुँच गया, यानी कण ये इसका पथ था और ये पी पोजीशन पे है टी समय पर, तो यहाँ आर थीटा इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब आप देखिए कि जैसे प्रश्न में कहा गया है कि उसके जो त्वरण है उसको दो घटकों में इन्होंने डिवाइड किया है। एक घटक तो कौन सा है कि दो घटकों में एक घटक प्रारंभिक रेखा के समानांतर, यानी ये इसकी क्या है, प्रारंभिक रेखा है। तो प्रारंभिक रेखा के समानांतर ये, इसे हमने क्या मान लिया, S, और दूसरा ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश है तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, तो ये क्या हो गई, OP क्या है हमारी, ध्रुवांतर रेखा है। तो इसकी दिशा में दूसरा क्या है हमारे पास, आर। यानी जो दो घटक हैं हमने मान लिए कि इस दिशा में तो R है त्वरण का घटक और इस दिशा में क्या है, S है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम रेखीय त्वरण क्या होता है, रेखीय त्वरण बराबर होता है d स्क्वायर R अपॉन dt स्क्वायर माइनस R d थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा रेखीय त्वरण। अब इस रेखीय त्वरण में देखिए ये किसके बराबर है हमारा, यानी इस दिशा में हमने क्या त्वरण माना है, इस दिशा में त्वरण है हमारा, रेखीय त्वरण हमारा, जो कण ध्रुवांतर रेखा से जोड़ रहा है यानी ओपी के अनुदिश जो त्वरण होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेखीय त्वरण। वो रेखीय त्वरण देखिए कितना है, आर। ये एक तो ये हो गया किसके बराबर, R के बराबर। प्लस इसमें देखिए कि जब हम इसका ये जो दिया हुआ है हमें कि प्रारंभिक रेखा के समानांतर ये क्या है, S मान रखा है ना, तो इसके घटक लेते हैं तो इस दिशा में इसका घटक आता है S cos थीटा, तो ये भी इसमें क्या है, जुड़ जाएगा। तो ये S cos थीटा, ये हमारी समीकरण एक हो गई। यानी समीकरण एक में हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एस कॉस थीटा, ये समीकरण एक हो गई। अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है हमारा अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण का मतलब होता है कि जो इसकी रेखीय त्वरण है उसके लंबवत डायरेक्शन में, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर जो लग रहा है हमारा वो क्या है, हमारा इसके लंबवत, यानी कि रेखीय इसकी जो दिशा है इसके लंबवत क्या त्वरण है हमारा, ये क्या है, एस साइन थीटा। बट इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी लगना किस साइड में चाहिए, इस साइड में चाहिए था, लेकिन ये नीचे की साइड में है, तो हमें इसे क्या है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस ये कितना है हमारा, एस साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन आ गई टू। अब देखिए समीकरण दो से इसे हल करते हैं, तो एस का मान अगर हम निकालें तो एस बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन यानी माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर
डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमारा एस का मान निकल के आ गया, यानी जो पूछ रहा है वो कि उसके दो घटक हैं, दो घटक विनियोजित करवाए थे, तो एक घटक हमने ये माना था कौन सा, ये जो प्रारंभिक रेखा है उसके समानांतर वो क्या था एस, तो एस घटक हमारा क्या आ गया, ये देखिए यही इसने दिया हुआ है वन अपॉन, तो एक कंडीशन तो इसकी हमने निकाल दी। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो उसके लिए ये जो एस का मान है, ये एस का मान हम समीकरण एक में रखते हैं, एस का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक में एस का मान रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, इधर तो हमारे पास है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर आर प्लस एस आर प्लस एस कॉस थीटा। देखिए एस का मान है माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये माइनस है तो यहाँ पे भी आर की जगह इसमें क्या हो जाएगा माइनस। अब ये वैल्यू हम पूरी नीचे रख देंगे, वन अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी डी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, दैट्स क्लियर। अब हम इसे आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर आएगा हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके साथ ये और था यहां हमारे पास, देखिए आप इसमें साइन थीटा जो थी या कॉस थीटा वैल्यू और थी, तो यहां ये कॉस थीटा और आएगा तो ये कॉस थीटा, तो ये हमारे पास अब आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की जगह ये प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा डी अपॉन डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिए दूसरा जो मान था वो डी स्क्वायर अपॉन आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन आर डी थीटा, यही हमारी वैल्यू थी। इसमें हो सकता है आपके पास ये वैल्यू शो नहीं हो रही हो यहाँ पे, यानी इसे हम यूं लिख सकते हैं यहाँ बराबर आर माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ये आर की वैल्यू निकल के आ गई, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारे जो दोनों घटक थे, यानी कि एक तो एस और एक आर, दोनों की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू हमारे पास ये आई और आर की वैल्यू ये आई, यही हमें निकालना था। धन्यवाद।